अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर लेटेस्ट वीडियो। नादरा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी पोस्टिंग लोकेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी नादरा के सेंटर्स हैं उनके अंदर की जा सकती है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के जरिए किस किस पोस्ट के ऊपर उसकी क्या रिक्वायर क्वालिफिकेशन है। तो चलते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेना है कैरियर्स। तो यहाँ पे अगर आप अबाउट अस के सेक्शन में आएंगे नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो आपने कैरियर सेलेक्ट करना है। तो कैरियर जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके पास जो है, यहाँ आपके पास ये दो एडवर्टाइजमेंट जो इस वक्त जो वैकेंट पोस्ट हैं ये ओपन हो जाएंगी। दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आप फर्स्ट वन जो पहले ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन नादरा, चेयरमैन नादरा की पोस्ट है वैकेंट। एजुकेशन जो अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर आपने किसी भी चीज़ में किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, इंजीनियरिंग में किया हुआ है, स्टैटिस्टिक में किया हुआ है, डेमोग्राफी में, लॉ में, बिजनेस मैनेजमेंट में अंदर, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस जो है आपके पास रेलिवेंट फील्ड का 6 मास या 1 साल तक का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो है यहाँ पे एज जो मांगी उन्होंने, नॉट मोर देन 62 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। पे जो है यहाँ पे जो है वो एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रूल 9, जो नादरा का रूल है उसके मुताबिक ही एट लीस्ट जो है वो BPS बेसिक पे स्केल 17 की जो पे होती है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, वही पे आपको दी जाएगी। उसके बाद ये 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं या आपको जॉब से भी हटा सकते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर की हुई है, CV होगी आपकी जो है यहाँ पे, वो जितने भी क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई डिप्लोमा किए या अगर आपने कुछ भी आपका पहले सर्विस की हुई है कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आप वो साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट है, ये वैकेंसी फॉर मेम्बर नादरा के मेम्बर्स की हैं, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन रिक्वायर की हुई है मास्टर डिग्री, ये सारी वही फील्ड है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, स्टैट और डेमोग्राफी। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है छोटा थोड़ा बहुत यूज़ करने का, तो आप इस पर कर सकते हैं। एज भी 62 ईयर से मोर नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसका भी 3 ईयर्स है। और जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं वही चीज़ रिक्वायर है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए एजुकेशनल, और CV हो गई, CNIC की कॉपी हो गई। उसके बाद जो है अगर आपने कहीं वर्क किया तो उसका जो है वो आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर होगा, उसकी एक फोटोकॉपी लगा देनी है। और यहाँ पे बताया हुआ कि कैंडिडेट जिनका TADA कम्प्लीट नहीं है या इंटाइटल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या वो अगर अप्लाई करेंगे भी सही तो वो सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।